ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम बात करते हैं सिमेट्री रिलेशन क्या होता है। तो सिमेट्री रिलेशन के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए फॉर एनी सेट ए, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू ए। देखिए, सपोज कीजिएगा 1,3 बिलोंग टू आर, देन इम्प्लाइज दैट 3,1 इज ऑल्सो बिलोंग टू आर, देन वी कैन से दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसको सिंबलिकल हम ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। उन एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। नाउ वी कंसीडर एग्जांपल, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1,2,3,4 बी ए सेट। नाउ वी कंसीडर द रिलेशन आर वन, आर वन इज इक्वल टू 1,3,1,4,3,1,2,2,4,1 एंड आर टू इज इक्वल टू 1,1,2,2,3,3,1,3 एंड आर थ्री 1,2,2,1,1,2,2,3,3। अब देखिए, इनको समझने के लिए अब हम यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, इन तीनों रिलेशन की कंपेयर करते हैं, तभी हम इसको अच्छे से सीख पाएंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। नाउ वी कंसीडर रिलेशन आर वन। इन आर वन रिलेशन देर आर 1,3,1,4,3,1,2,2,4,1 बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन देर आर ओनली 1,1,2,2,3,3 एंड 4,4 बट इन द सेट आर वन देर आर 1,3,1,4,4,1,3,1 दैट इज नॉट बिलोंग टू आइडेंटिटी रिलेशन। सो आर वन इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। पहले वाले में कट कर देंगे, दूसरे में आते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या आर वन रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना था, मैंने बताया था पिछले टॉपिक में, बताया था पिछले पॉइंट पे कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट तो होने ही चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन के सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए और उसके अलावा भी और एलिमेंट हो सकते हैं। परंतु यहाँ देखते हैं हम R1 आइडेंटिटी एलिमेंट को बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। हाँ, सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए था कि 1,3 बिलोंग टू आर वन एंड 3,1 इज आल्सो बिलोंग टू आर वन, दैट इज दिस इज सिमेट्री। हम कह सकते हैं कि सिमेट्री है। अब दूसरा एलिमेंट देखते हैं, 1,4 बिलोंग टू आर वन एंड 4,1 इज आल्सो बिलोंग टू आर वन, therefore it is symmetric। तो 2,2 की बात करें तो 2,2 पहला एलिमेंट दूसरे के साथ, दूसरा फिर पहले के साथ, ऑलरेडी रिलेटिव है तो इसको हम कह ही सकते हैं कि 2R2 इज इक्वल टू 2R2। किसी भी 2 को पहले रखा जाए तो दोनों ही तरफ से हमें ये इक्वल मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि R1 इज द symmetric रिलेशन। Now we consider R2. R2 में देखते हैं, R2 को हमने लिया है 1,1, 2,2, 3,3, 1,3,
Now we consider R2 as 11, 22, 33, 1, 3. Now, first we check that is a identity relation or not. Since 11, 22, 33 belong to R2, but 4, 4 does not belong to R2. So it is not identity relation. Is that clear? फोर एलिमेंट ऐसा है जिसका अपने ही साथ कोई भी इमेज हमें नहीं मिल रही है, कोई ऑर्डर्ड पेयर हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि R2 इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन. नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव 11, 22, 33 बट 4, 4 नॉट बिलोंग टू R2, दैट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिफ्लेक्सिव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का होना तो जरूरी है ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो होने ही चाहिए, और उसके अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन इस केस में 4, 4 इज नॉट बिलोंग टू R2, दैट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ फॉर सिमेट्री 11 इज आल्सो सिमेट्री, 22 सिमेट्री, 33 सिमेट्री, 13 लेकिन 31 नॉट बिलोंग टू R2, दैट इज नॉट ए सिमेट्री, इसीलिए ये सिमेट्री भी नहीं होगा, क्योंकि हमें 13 इमेज तो मिल रही है 1 की 3 के साथ, लेकिन 3 की 1 के साथ इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए सिमेट्री, ये सिमेट्री नहीं होगा. अब बात करते हैं R3 के लिए. R3 हमने लिया है 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो फिर से वही बात आती है, देखिएगा 4, 4 इज नॉट बिलोंग टू R3, दैट इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन. चौथा जो फोर्थ एलिमेंट है हमारा, वो अपने साथ ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं रहा है, और वैसे भी अगर हम इसको भी ना देखें तो 1, 2, 2, 1 इज आल्सो बिलोंग टू R3, तो तब भी हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन. अब इसके लिए पहला वाला तो क्लियर हो गया कि दैट इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन, तो R3 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा. अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट सारे के सारे होने चाहिए, बट इन दिस केस 4, 4 डज नॉट बिलोंग टू R3, R3 को बिलोंग ही नहीं कर रहा है भाई, 4, 4 एलिमेंट R3 को बिलोंग करता ही नहीं है. मैंने बताया था कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन. तो इन दिस केस R3 इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव. क्लियर है? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. थर्ड पॉइंट हमारा सिमेट्री. तो सिमेट्री के लिए देखिएगा 1, 2, 1, 2 बिलोंग टू R3 एंड 2, 1 इज आल्सो बिलोंग टू R3. दोनों मिल रहे हैं 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ. अब दूसरा देखते हैं 1, 1 तो 1, 1 ऑलरेडी इसके साथ मिल रहा है, 2, 2 ये भी मिल रहा है खुद के साथ, 3, 3 ये भी मिल रहा है, तो किसी को भी उलट पुलट किया जाए तो वो हमारा R3 का ही एलिमेंट होगा, इसलिए हम कह सकते हैं दैट इज R3 इज सिमेट्रिक रिलेशन. तो सिमेट्री रिलेशन समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कहीं कोई पॉइंट, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट पे अब चलते हैं. द थर्ड पॉइंट इज गिवन बाय ट्रांजिटिव रिलेशन, द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ट्रांजिटिव रिलेशन. अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है. फॉर एनी सेट ए जिसके अंदर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड ऑल्सो बी कॉमा सी बिलोंग टू आर
then implies that A comma C belong to R. भाई इसका मतलब क्या है? पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि अगर A का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है तो दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ में बना रहा है, तब हमारा पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर जरूर बनाना चाहिए और वो R का एलिमेंट होना चाहिए. मतलब कहने का मतलब ये है कि A कॉमा बी अगर R के अंदर है और B कॉमा सी भी R के अंदर है तो तीसरी कंडीशन A कॉमा सी R के अंदर मिलनी ही चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा. दूसरी हम एक और इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर पहली कंडीशन उस सेट के अंदर लाई कर रही है और दूसरी मिल ही नहीं रही है तब भी हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव होगा. पहली तो हो ही और दूसरी भी अगर मिल रही है तो तीसरी का भी होना जरूरी है. अगर तीसरी नहीं मिलती है तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव. लेकिन अगर हमें पहली कंडीशन मिल रही है दूसरी मिल ही नहीं रही है तब भी हम कहेंगे इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन. दैट इज नोटेशन में हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए आर बी बी आर सी देन इम्प्लाइज दैट ए आर सी फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू ए. तीनों एलिमेंट सेट ए को ही बिलोंग करने चाहिए. अब इसके लिए देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके द्वारा इसको समझेंगे, ये पूरा पॉइंट हमें समझ में आ जाएगा. Now we consider a set A equal to 1, 2, 3, 4. Now we consider some relations R1 is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 and R2 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1 R3 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2, 2, 1 and R4 1, 2, 3, 4. There are the four relations. अब इन चारों relation को समझने के लिए और चारों में difference समझने के लिए हम एक table construct करते हैं. पहले में हमने IA लिखा है, दूसरे में हमने reflexive लिया है, तीसरे में हमने symmetry लिया है और फोर्थ में हमने ट्रांजिटिव लिया है. चारों के चारों पॉइंट को हम एक साथ डिस्कस करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, इन चारों में क्या क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे ये वर्क करते हैं. चलिए बात करते हैं पहले R1 की. R1 सेट में हमने देखा कि 1 का 1 के साथ पेयर है, 2 का 2 के साथ पेयर है, 3 का 3 के साथ पेयर है, 4 का 4 के साथ पेयर है और कोई भी एलिमेंट ए सेट का छूटा नहीं है. देन वी कैन से दैट इज ए आइडेंटिटी रिलेशन. तो R1 हमारा क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन होगा. अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, चाहे उसके अंदर और कोई एलिमेंट हो या ना हो. अगर और भी एलिमेंट है तब भी वो रिफ्लेक्सिव है, नहीं भी है तो आइडेंटिटी एलिमेंट सारे होने की वजह से भी उसको हम क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा. एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब बात करते हैं सिमेट्री की. तो सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या थी? भाई हर एलिमेंट उसकी उल्टी इमेज जरूर दे. 1 का 1 के साथ है, फिर 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3, 3, 4, 4, दैट इज आल्सो ए सिमेट्री रिलेशन. नाउ वी कंसीडर फॉर ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं 1 का 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ है, लेकिन अब ऐसा कोई भी हमें दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो 1 किसी और के साथ एसोसिएट हो, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए ट्रांजिटिव. मैंने बताया था कि अगर हमें पहली कंडीशन मिल रही है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, ए कॉमा बी बिलोंग टू आर,
तब हम और दूसरी कंडीशन हमें ना मिले तब भी हम कहेंगे कि दिस इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इस केस में यही हो रहा है, यहाँ पहली कंडीशन तो हमें मिल रही है, चारों एलिमेंट में से देखिए आप कोई भी एक लीजिएगा तो पहली कंडीशन हमें मिल रही है लेकिन दूसरी कंडीशन है ही नहीं, तब हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बात करते हैं R2 की। R2 के अंदर हमने एलिमेंट लिए हैं 1 1, 2 2, 3 3, 1 2, 2 1। तो अब हम देख रहे हैं कि R2 इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। R2 इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि 4 4 डज नॉट बिलोंग टू R2। तो 4 4 डज नॉट बिलोंग टू R2। 4 4 एलिमेंट R2 के अंदर है ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दिस इज ए आइडेंटिटी रिलेशन? तो आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी? कि आइडेंटिटी रिलेशन तो होना ही चाहिए, उसके बाद कोई एलिमेंट है तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं है तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन इस केस में 4 4 डज नॉट बिलोंग टू R2, तो इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। हम कहेंगे कि ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री में देखिएगा 1 1, 2 2, 3 3 एंड 1 2। तो 1 2 इज ऑल्सो बिलोंग टू R2 एंड 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू R2। देन वी कैन से दिस इज सिमेट्री रिलेशन। क्या होगा ये हमारा? सिमेट्री रिलेशन होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या बताया था मैंने कि अगर पहली कंडीशन मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही है तब हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव है, और यदि पहली कंडीशन मिल रही है और दूसरी भी मिल रही है तो तीसरी कंडीशन भी मिलनी चाहिए। तो देखिए जैसे 1 1 बिलोंग टू R2, 1 2 बिलोंग टू R2, देयरफॉर नाउ 1 2 इज ऑल्सो बिलोंग टू R2, वी कैन से दैट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होगा। अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं 2 2 बिलोंग टू R2 एंड 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू R2, इम्प्लाइज दैट 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू R2, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा। अब 3 3 की बात करें तो कंडीशन 3 3 मिल रही है लेकिन 3 एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना रहा है, इसलिए पहली कंडीशन तो मिली दूसरी कंडीशन है ही नहीं, तब भी क्या होगा? ये ट्रांजिटिव होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि R2 इज ए ट्रांजिटिव। चलिए अब डिस्कस करते हैं R3 सेट को। R3 के अंदर हमने क्या एलिमेंट लिए हैं? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 1 2, 2 1। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, जबकि यहाँ 1 2 और 2 1 ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए हैं और हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो भाई रिफ्लेक्सिव में हम देख रहे हैं कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, ये तो मिल ही रहा है। दूसरा 1 2 बिलोंग टू R3 एंड 2 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू R3, दोनों एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि R3 इज ए सिमेट्रिक, तो ये हमारा सिमेट्री भी होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था? 1 1 है 1 के साथ, 1 1 है 1 के साथ, 1 2 है, तो हमें 1 के 2 के साथ भी एलिमेंट मिल रहा है। अब बात करते हैं 2 2 है, 2 1 है, तो 2 2, 2 का फिर 1 के साथ है, फिर 2 का 1 के साथ हमें मिल रहा है, जिसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। 3 3 है और दूसरा 3 किसी के साथ है ही नहीं, तब भी ट्रांजिटिव होगा। 4 4 है और उसका भी और किसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तब भी ये ट्रांजिटिव होगा। नाउ वी कैन से दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ वी कंसीडर R4।
दैट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसी रिलेशन से हमें बहुत सारे पॉइंट और भी क्लियर होंगे। तो देखिए भाई, पहले वाले पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा ही नहीं। यहाँ ना 1-1 है, ना 2-2 है, ना 3-3, ना 4-4। हर एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना नहीं रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। क्लियर बात है कि हर आइडेंटिटी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव होता है, पर यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन जब वही नहीं बन रहा है तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से बनेगा। आगे बात करते हैं सिमेट्री की। तो 1, 2 बिलोंग टू आर फोर, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर फोर, दैट इज नॉट ए सिमेट्री, इसलिए सिमेट्री रिलेशन भी नहीं होगा। 3, 4 सेम बिल्कुल उसी की तरह है, 4, 3 नहीं मिल रहा है तो हमारा ये R4 भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या था भाई, अब बहुत से कहेंगे कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, अब देखिए 1 का 2 के साथ हमें मिल रहा है लेकिन 2 का कोई और पेयर मिल ही नहीं रहा है। और मैंने क्या बताया था कि अगर पहली कंडीशन मिलती है, दूसरी कंडीशन नहीं मिलती, तब भी हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों पॉइंट अगर हमारे समझ में आ गए तब हमारे रिलेशन समझ में आ जाएगा। अगर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आए तो रिलेशन हमें समझ में नहीं आएगा। अब ये अगर ये कोई भी रिलेशन इन तीनों पॉइंटों को रखता है तब हम उसको कहेंगे इक्विलेंस रिलेशन। दैट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलेंस रिलेशन। इस पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में, हर साल एक क्वेश्चन इक्विलेंस रिलेशन पे आता ही आता है। तो इसको अच्छे से करिएगा। कोई भी रिलेशन अगर हमारा दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ए रिलेशन आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, देन वी कैन से आर इज़ एन इक्विलेशन रिलेशन। अगर तीनों की तीनों प्रॉपर्टी इसके अंदर हैं, तीनों रिलेशन ये रखता है, तब हम कहेंगे कि आर इज द इक्विलेंस रिलेशन। ओके, थैंक यू। रुक गई।